दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थानी ब्लॉगर नरेंद्र रावत में। तो कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके जरूर बताएं। और जो आज का ब्लॉग है उसमें मैं आपके लिए हम लोग गांव में पशुओं की काउस और जो बकरियां होती हैं उनकी देखरेख कैसे करते हैं उससे संबंधित वीडियो लेके आया हूँ। और लास्ट में नितिन ने आज गोट मिल्किंग की थी उसका वीडियो भी लेके आया हूँ दोस्तों। तो प्लीज वीडियो पूरा वॉच करें आप, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज रेड कलर के बटन को जाकर सब्सक्राइब कर लें। और देखते हैं आज के वीडियो में क्या। तो देखिए, ये चारा है गाय के लिए और ये पहाड़ के लाना पड़ता है। तो इसलिए देखिए, ये जो मिट्टी के हैं, ये देखिए, ये जो इनके नीचे मिट्टी है, क्योंकि ये चारा नहीं है, चारा जैसे ही है पर इसको खेत में सही नहीं रहता, इसलिए गाय के लिए चारा के रूप में लाते हैं हम। तो अब इसको काट के बताएंगे हम आपको, और गाय को कैसे खिलाते हैं वो भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए अभी हम ये जो चारा है इसके पीछे जो मिट्टी के वो लग रहे हैं, क्योंकि इसको उखाड़ के लाना पड़ता है हमें खेतों में से, बाजरे के बीच में होता है ये। और इसको हम चारे के रूप में खिलाते हैं गायों को। इसको मतलब ये वो ऐसा पौधा है जो बहुत ज़्यादा खेत में फैल जाता है, तो इसको हम पहले से बीच में उखाड़ लेते हैं जिससे कि खेत में ज़्यादा नहीं फैले। तो वो पाड़ना पड़ता तभी ये सही रहता, क्योंकि तोड़ेंगे तो ये वापस उग जाता है। इसका हम ये जो नीचे का पार्ट है उसको हम ये कुल्हाड़ी से इस प्रकार से काट लेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा मिट्टी हो जाती है चारे में तो गाय खा नहीं पाती, इस कारण हम इसके जो नीचे से है इसको पूरा काट लेंगे पूरे चारे के। ये देखिए, और ये मेरी पार्वती का ठाण बोलते हैं मारवाड़ी में, फूटा है, यहाँ मैं रख रहा हूँ, अभी बाहर खड़ी है वो खाने के लिए। और पहले मैं इसको चारे को काट लेता हूँ, फिर उसके बाद ही उसको अंदर लाऊँगा, क्योंकि वो परेशान कभी काटने नहीं देंगे मुझे। और ये देखिए, इस प्रकार से जो मिट्टी के हैं, मैंने स्पीड थोड़ी फास्ट कर दी दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इस कारण। ये देखिए, उसको बीच में से काट लेंगे जिससे कि वो गाय आराम से खा लेगी इसको। ये देखिए, अब तो अच्छा चारा हो चुका है गाँव में हमारे, और ये 3-4 महीने तक तो अच्छा हरा चारा खाएगी हमारी गाय, फिर बाद में देखते हैं कैसा क्या होता है। क्योंकि हमारे राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, और ये 3-4 महीने होती है, तो इस समय हम खिलाते हैं हरा चारा, फिर पूरे साल 7-8 महीने गायें सूखा चारा ही खाती हैं। इस कारण जितना ज़्यादा हो सके अभी हम इनको हरा चारा खिलाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार से पहाड़ के ले आते हैं हम, और देखिए ये क्या बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी इनमें, तो उनको काट लेंगे हम। और ये लकड़ी का ठूड़ा बोलते हैं इसे, मैं लेकर आया था, और इसके ऊपर कुल्हाड़ी से बकर काट लेंगे हम। देखिए मैंने वो आधा से ज़्यादा चारा तो काट लिया, आधे से ज़्यादा। ये देखिए दोस्तों, और अब मैं थोड़ा सा ऊपर रख दूँगा, मुझे बकरियों के लिए भी काटना है, पार्वती के लिए धो चुका है, और गणेश के लिए कल के लिए सुबह के लिए थोड़ा रखना है। ये देखिए, इस प्रकार से हम धीरे धीरे पूरा चारों काट लेंगे। ये देखिए, और ये जो नीचे के डंडल हैं इनको हम एक तगारी में अलग भर लेंगे, इसको हम अलग फेंक देंगे फिर बाहर ले जाके खेत में। ये देखिए, और ये बकरियों का झूठा चारा था वो रख दिया, और देखिए गाय के खोल दिया और भाग के आ चुकी है ये गाय, देखो हमारी। और अभी मैं गाय को बांध रहा हूँ, अभी आराम से खा लेगी, उसके बाद मुझे काउ मिल्किंग करनी है। ये देखिए, अभी आराम से गाय मेरी खा रही हरा चारा, और अभी तो बहुत खुश है गाय, अभी बहुत अच्छा हरा चारा मिल रहा है दोस्तों गाय को इस कारण। और अभी शरीर बनने का टाइम, अभी ये बरसात के दिनों में ही जितना हरा चारा खिलाएंगे उतना शरीर अच्छा बनेगा गाय बकरी का। और अब देखिए, मेरी बकरियाँ भी इंतज़ार कर रही थी चारे का, तो मैं उनको भी कटा हुआ जो ऊपर का वो पार्ट है वो इनको खिला दूँगा, क्योंकि बकरियाँ ज़्यादा मोटा चारा नहीं खा पाती है इस कारण। और ये देखिए, गाय धोने के बाद अब मैं गाय को जो सूखा चारा है एक तगारी भर के वो भी खिलाऊँगा, क्योंकि अभी चारा इतना नहीं हुआ कि जिससे पेट भर सके गायों का। तो चाटे के साथ ये मिला के, ये तूड़ी है, खाकला बोलते हैं हमारे यहाँ, कहीं तूड़ी बोलते हैं इसे, तो वही है एक तगारी। हम ये जो चाटा है, चाटा बताऊंगा मैं अभी, उसमें मिला के खाएंगे। कि ये जो
तीन चार जो बो रहे हैं हमें यही रखे थे खाक लेके, अभी खिलाने के लिए गाय को, क्योंकि घर से दूर पड़ता लाने ले जाना, इस कारण तीन चार हमने यही रख लिए थे। ये देखिए ये लाके यहाँ रख दिया मैंने, और इसमें हम ये देखिए काव्या भी आई है आज शाम को, ये खेल रही है अभी। काव्या मेरे छोटे भाई की बेटी है। और ये देखिए जो इसमें ऊपर जो है ये वाइट वाइट जो है, और ये नीचे देखिए ये है जो गट्टे वाला बाटा आता है वो है चाटा, इसको मैं अच्छी तरह ऐड कर लूँगा इसमें। ये देखिए इस प्रकार से हाथ की सहायता से इसको पूरा अच्छी तरह ऐड कर लूँगा, मिक्स कर लूँगा, जिससे कि चारा दोनों से जो गट्टे हैं वो दूध के लिए सहायक है, और जो जो है उससे गाय का शरीर अच्छा बनता है। तो दोनों चीज़ हमें इन गाय को खिलानी पड़ती है, क्योंकि हमें दूध के साथ साथ गाय का भी शरीर अच्छा बन जाए उसका भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भाई दूध दूध के लिए हम बस ये सब चाटा खिलाए, नहीं, हमें दोनों चाहिए, दूध भी चाहिए और गाय का शरीर भी चाहिए, गाय भी अच्छी बने ठने रहे, इसके लिए हम गाय को दोनों चीज़ें मिलकर खिलाते हैं ये, क्योंकि गाय स्वस्थ रहेगी तो अपना दूध होगा सही। हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है कि दोनों चीज़ दूध भी मिलता रहे और हमें उसका पोषण भी करना है, दोहन करना कभी नहीं सिखाया हमें प्रकृति का भी, हमें कभी भी दोहन नहीं करना चाहिए, जितना उचित हो उतना ही हमें करना चाहिए। किस प्रकार से इसमें डाल डाल के इसमें थोड़ी थोड़ी वो जो बोरे के हैं वो टूट टूट के इसमें आ गए थे, तो प्लास्टिक गाय के शरीर में भी नुकसान करती है, इस कारण इसको हम निकाल के अलग फेंक देंगे। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये कुट्टी, ये हम गाय को धोने के बाद खिलाते हैं, क्योंकि उसके बाद ही गाय को अधिकतर यूँ खिलाते हैं हम, इसके विश्वास से गाय। देखिए अभी खाने के लिए बाट जो रही है, और देखिए मेरी काव्या देखिए इधर से उधर घूम रही है और बहुत हेल्प कर रही थी मेरी, देखिए बाल्टी उठा के ले जाएगी, अब देखिए बाई कर रही है, हाई कर रही है सॉरी। और ये देखिए देखिए बेटियाँ होती हैं हेल्प करने के लिए, लड़के थोड़ी कम हेल्प करते हैं, बेटियाँ करती हैं हेल्प। ये देखिए देखिए इसको किसी ने निकाल, फिर भी जाके जहाँ इसकी जगह है वहाँ रखे आ गई है इसको बाल्टी को। और ये देखिए पार्वती इंतज़ार कर रही है, क्योंकि इसे जो चाटे के साथ मिलाया हुआ चारा बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं ये रख दूँगा चाटा इस जगह, और देखिए यहाँ गीला भी बहुत ज़्यादा हो रहा है बारिश की वजह से, इसको भी सुखाना है मुझे, बाहर से मिट्टी ला के डालनी पड़ेगी। और ये देखिए आराम से राजी खुशी सूखा चारा और गीला दोनों मिले मिलता है तो गाय को अच्छा होता है। और ये देखिए नितिन आ चुका है गॉड मिल्किंग करने के लिए आज, क्योंकि दूसरों का बच्चों का बना रहा तो ये क्या पापा नहीं मेरा भी आप गोट मिल्किंग का वीडियो बनाऊँ, तो मैंने कहा ठीक है आज बेटा तेरा भी बनाता हूँ मैं गोट मिल्किंग का वीडियो। और अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों, दो तीन दिन से, आपके यहाँ का मौसम कैसा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये देखिए नितिन से नहीं खुली थैली बकरी की, तो नवीन आ चुका है, अब देखते हैं इनके बहुत ही हंसी मजा किया आज इन्होंने बकरी दूते समय। ये देखिए हंस रहे क्योंकि नितिन कोशिश कर रहा था पर नितिन से हो ही नहीं रहा था। ये देखिए अब देखिए आज कैसे दूध निकालता दोस्तों, आप भी हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। ये देखिए बैठ चुका है बकरी का दूध निकालने के लिए, अब देखते हैं किससे। ये देखिए बकरी के थन पानी से साफ कर रहा है, पता नहीं पानी कहाँ जा रहा है। ये देखिए ये देखिए बहुत ही फनी वीडियो बना इसका, ये मेरी मुस्कान है। ये देखिए अब देखिए कैसे दूध निकालता है, और इससे एक दूध की एक धार भी नहीं निकली दोस्तों। देखिए निकिता कह रही है मुझे भी दूध तो पता। ये देखिए अरे कुछ भी नहीं निकला। अब ना भी निकालेगा दूध, बताएगा इसको बेटा भैया ऐसे निकालते हैं। ये देखिए ये देखिए देखिए अभी तो पकड़ना है, थन कैसे पकड़ते हैं बकरी का ये भी नहीं पता इसको।
तीनों कर लड़ रहे हैं, मुझे धोने दो, मुझे धोने दो। देखो देखिए मेरी बकरी की आदत है कि ये पूरा सर जो बकरी दूता है उसके पास कर लेती है, उसके ऊपर रख देती है सर को। और ये 11-12 बार भी आ चुकी है दोस्तों मेरी बकरी, और काफ़ी एज की हो चुकी है। ये देखिए उछल चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे ये लोग इसे। अब देखिए ना मैंने निकाल रहा वापस दूध, क्योंकि ये भी बेचारी कब तक सहन करेगी, क्योंकि ये कब से लगे हुए थे दूध दुहने के लिए, और तीन तीन लग रहे हैं दूध दुहने के लिए। अब देखिए नवीन तो चला गया, नितिन तो चला गया, और नवीन दूध निकाल रहा है। ये देखिए बार बार मेरी बकरी की आदत है, देखिए सर रखती है इसकी आदत है ये। निकिता देखिए बार बार ताड़ रही है इसको। और ये मुस्कान बार बार दूध पीने की से आदत अभी भी नहीं छूटी है दूध पीने की, तो 2-3 महीने बाद वापस भी आ जाएगी मेरी बकरी। ये देखिए नवीन निकाल रहा दूध, अभी नितिन छोटा है तो नहीं जानता है, मैं धीरे धीरे वो भी सीख जाएगी, क्योंकि नवीन भी इसी साल सीख रहा है बकरी का दूध निकालना, अब बड़ा हो गया थोड़ा, इसलिए अब नितिन भी सीख जाएगा। ये देखिए मुस्कान वापस आ चुकी है, बहुत परेशान करती है दोस्तों। देखिए और अब नवीन वापस जो थैली है इसी मुस्कान की वजह से बांधनी पड़ती है हमें, क्योंकि ये बीच में दूध पी जाती है, क्योंकि चाय तो हम दोस्तों बकरी के दूध की बना के पीते हैं, क्योंकि इसी की अच्छी लगती है हमें शुरू से, इसीलिए रखते हैं। बहुत ही पौष्ट मतलब दूध अच्छा रहता है बकरी का, बच्चों के लिए देखो आप, किसी के लिए देखो, क्योंकि ये सभी प्रकार की जो कांटे वाटे होते हैं फल सब खाते हैं इसका। और ये देखिए हमारे नितिन और सिद्धार्थ करामात, देखिए ये ट्रैक्टर और उसके देखिए हल बनाए और खेती कर रहे हैं। देखिए देखिए हल निकाल रहे हैं, खेत की हकाई कर रहे हैं। देखिए ये देखिए इनकी करामात बैठे बैठे लॉकडाउन में। ये देखिए हमारा अभी भी आ चुका है दोस्तों, ये पुष्कर मेले से लाया था, हमारे यहाँ का फेमस मेला पुष्कर मेला। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।